अपनी गाड़ी जो है स्टीम अपनी कार अपने पास से चली जाएगी। गाड़ी बेचने का मन तो नहीं है मगर भाई यूज में नहीं आ रही, खड़े रहने का कोई मतलब भी नहीं है, मतलब खड़ी करके रखो। एंड भाई मैं भी लास्ट टाइम कब मैंने अपनी गाड़ी उठाई थी मेरे को खुद को याद नहीं है। तो वो कहावत है ना भाई, एक जाएगी तभी तो दूसरी आएगी। इसके बाद कौन सी गाड़ी आने वाली है, बाइक आएगी? अगर बाइक आई ना भाई इसके बाद सुपर बाइक ही आने वाली है। सो इस गाड़ी के अंदर तो अपन बैठ चुके हैं काफी टाइम बाद, भाई थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। जस्ट अभी मैंने कपड़ा वगैरह मारा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। दिस साइड आपका भाई नवराज स्वागत करता है एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का वीडियो अपने पोपला के ऊपर नहीं अपनी कार के ऊपर होने वाला है, जस्ट बिकॉज भाई अपन चल रहे हैं, अपन को चलना है अपन को घर वाले को लेके, मतलब कि अपन को अपने घर वाले को लेके चलना है पिपलानी साइड। एक हॉस्पिटल है वहाँ पे, थोड़ा सा काम है तो पापा जी को लेके चलेंगे, मम्मी जी को लेके चलेंगे। एंड भाई कार के ऊपर मतलब ऐसा है कि कार रिसेंटली मैंने थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करी थी तो स्टार्ट हुई नहीं थी, शेल्फ मारा था उसमें, शेल्फ तो पड़ रहा था बट क्या है कि उसमें पेट्रोल एंड पे था तो मे भी शायद पेट्रोल खत्म है उसमें, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। एंड भाई मैं भी लास्ट टाइम कब मैंने अपनी गाड़ी उठाई थी मेरे को खुद को याद नहीं है। तो काफ़ी टाइम बाद मैं भी शायद डेढ़ या दो महीने बाद आज अपनी कार स्टार्ट होने वाली है, फैमिली को लेकर चलना है पिपलानी, छोटी सी राइड है अपनी कार के साथ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपका पसंद आएगी। आज की वीडियो के सारे सीन अगर मैं आपको इंट्रो में बता दूंगा तो वीडियो का इंट्रो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बने रहे, बिना स्किप करें लास्ट देखें आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है, धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अपन को चलना है अभी पेट्रोल पंप, पेट्रोल में बोतल में, अरे कहना क्या चाहते हो, सबसे पहले अभी अपन को चलना है पेट्रोल पंप, वहाँ पे बोतल में लेंगे पेट्रोल, देन अपन जो है अपनी गाड़ी में फिल करेंगे पेट्रोल, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे घर वालों को गाड़ी में बिठा के, देन डायरेक्ट चलेंगे पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा के एंड आज की राइड स्टार्ट होगी। अभी अपन ने पोपला पे बोतल में पेट्रोल ले लेते अपनी कार के लिए, एंड भाई चलते हैं कार के पास, पेट्रोल डालते गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखते होगी नहीं होगी या कैसे क्या सीनों को मेरे को कुछ पता नहीं है, बस लेके चल रहा है अभी अपन। तो अभी अपन आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, भाई सामने आप चेक कर सकते हैं, बोतल में सबसे पहले लेते हैं पेट्रोल यहाँ से, देन आज की वीडियो को अच्छे से अच्छी बना के आप सभी को दिखाते हैं। तो लेट्स गो, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो है बोतल में अपन को पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिला नहीं है, जस्ट बिकॉज मे भी शायद हमें पास कैमरा था इसलिए अपन को जो है बोतल में पेट्रोल नहीं मिला है। एंड भाई सामने एक और पेट्रोल पंप है वहाँ पे अपन ट्राई करते हैं, क्या पता दे दे। वैसे अगर मैं पहले भी लेके जा चुका हूँ, मतलब कितनी बार लेके जा चुका हूँ, इजीली दे देते, बट मे भी शायद कैमरा लगा इस वजह से नहीं दिया होगा। यहाँ पे ट्राई करते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा। सो इस गाड़ी के अंदर तो अपन बैठ चुके हैं काफ़ी टाइम बाद, भाई थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। जस्ट अभी मैंने कपड़ा वगैरह मारा है क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है धूल वगैरह जम गई थी, एंड पेट्रोल वगैरह सब मैंने डाल दिया, सारे सिनेमेटिक आपने चेक कर लिए होंगे। अभी सबसे पहले अपन करने वाले गाड़ी को स्टार्ट, लेट सी होगी कि नहीं होगी। भाई डेढ़ या दो महीने बाद गाड़ी में सेल्फ पड़ने वाला है, बीच में मैंने एक बार मारा था तो उसमें जो है पेट्रोल नहीं था तो सेल्फ खाली खाली पड़ा था, बैटरी डेड ना हो गई हो, बस मेरे को ये लग रहा है बैटरी अगर डेड हो गई होगी तो गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी। तो लेट सी, यहाँ पर लगा दिया अपन ने की जय माता दी का नाम लेके, एक दो लीटर लेना वरना पता चले तीन हो जाए, एक दो हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा मेरी माँ, पेट्रोल तो डाल दिया यार, मेरे को लग रहा था पेट्रोल की प्रॉब्लम होगी, अब क्या हो सकता है, और मे भी हो सकता है पेट्रोल उतारने में थोड़ा टाइम लगे, एक बार सेल मारेंगे एक सेकंड रुक के, चालू हो जाए बस यार, एक दो तीन हो जा हो जा हो जा, गजब बेइज्जती है। अपने काम करते सुनील को लगाते हैं फोन, उसको बताते हैं ऐसी ऐसी कंडीशन है, देन अपन जो है देखते हैं भाई क्या बोलता है वो। A few moments later. बॉयस सुनील को फोन लगाया था, उसने बोला था ये वाले प्लग जो रहते ना वो एक बार हिला देना, तो हिला तो दिया अपन ने, जी रहता है भाई काफ़ी टाइम बाद गाड़ी खड़ी रहे ना, मतलब काफ़ी टाइम तक गाड़ी खड़ी रहे देन डायरेक्ट अपन स्टार्ट करो तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है। तो वो बोलते हैं ना गाड़ी को जो है चलाते रहना चाहिए, गाड़ी रोलिंग में रहती है तो सही रहती है, बट इस टाइम पे अपन को भाई गाड़ी को स्टार्ट करना है, इन कीचड़ इतनी हो रही है मैदान में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सुनील ने बोला था वो हिला देना, अपन ने हिला दिया, एक बार बैठे बैठे साइड से जो सेल्फ मार लेते हैं होगी नहीं होगी, एक दो बैटरी ना बैठ जाए यार मेरे को बैटरी का लग रहा है, एक दो बैठ गई बैटरी, पुरानी गाड़ियों में बड़ी दिक्कत रहती है भाई, रोलिंग बनी रहनी चाहिए, मतलब गाड़ी जो है चलती रहनी चाहिए,
क्या किया जाए क्या किया जाए। अब इसका एक ही रास्ता, अगर इस गाड़ी को चालू करना है तो भाई या तो दूसरी बैटरी लानी पड़ेगी या तो दूसरी कार लेकर आके तार से तार मिला के बैटरी से कनेक्ट करके टोचन करके गाड़ी अपन को स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक ही ऑप्शन है, चलते अपन अभी अपनी स्कूटी उठा के सुनील की दुकान पे एक आध बैटरी की लाइन मिलाते हैं, देखते हैं आज की वीडियो अच्छी से अच्छी बना के आप सभी को दिखाते हैं। तो भाई जो आपने लास्ट क्लिप देखी थी वो थी अपनी दशहरा मैदान की, वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे कि मैंने बोला था सुनील को फोन लगाते हैं, गाड़ी का कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। गाड़ी अपनी फुल पावर रेडी है, फुल पावर चालू है, बस गाड़ी में जो है बैटरी का इशू था। जैसे कि मैं बोलता भाई अगर पुराने मॉडल की गाड़ी है उसको जो है चलाते रहना चाहिए, एक जगह पे अगर अपन खड़ी कर देंगे एक महीना दो महीना तीन महीने तो उसमें छोटे छोटे इशू निकल जाते हैं, लाइक मेरी गाड़ी में अभी निकल गया था, बैटरी जो है डेड हो गई थी। तो अभी अपन आए थे सुनील की दुकान पे, सुनील की दुकान से बैटरी लेके अपन वापस गए थे गाड़ी लेके। अभी अपन आ चुके अपने धर्मेंद्र भाई की दुकान पे, गाड़ी वॉश वगैरह करा ली है एंड सामने आप चेक कर सकते हो भाई अपनी गाड़ी। और जैसे कि मैंने बोला था आप सभी को कि भाई अपने घर वालों को लेके पिपलानी साइड जाना है, वहाँ तो जा नहीं पाए, टाइम ज़्यादा हो गया, वहाँ पे जाने का टाइम था 4-5 बजे तक, वहाँ पे काम जो है बंद हो जाता है। तो अभी टाइम हो चुका है शाम के 6, गाड़ी अपनी यहाँ पे वॉश हो चुकी है, देखते कल या परसों में जाएंगे अपन अपने घर वालों को लेके। गाड़ी इसलिए स्टार्ट करवा रहा हूँ, सब कुछ टर्न करके मैं जो है खड़ी कर रहा हूँ अपनी गाड़ी, जस्ट बिकॉज अपनी गाड़ी जो है सेल होने वाली है। सैटरडे संडे को आएगी पार्टी, देखेगी गाड़ी की अगर डील डन हो जाती है सब कुछ सही रहता है तो अपनी गाड़ी जो है स्टीम अपनी कार अपने पास से चली जाएगी। तो वो कहावत है ना भाई, एक जाएगी तभी तो दूसरी आएगी, बात तो सही है। तो वो सही है, ये जाएगी तभी तो कोई दूसरी कार आएगी। तो लेट सी क्या सीन रहने वाला है, आज की छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता आपको पसंद आएगी। अभी अपन है धर्मेंद्र भैया की दुकान पे, सामने भाई गाड़ी में वैक्यूम भी हो गया, गाड़ी वॉश भी हो गई, सामने आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा बुरा यहाँ पे लग रहा है जस्ट बिकॉज भाई अपनी पहली कार है और पहली चीज़ या पहली कार कुछ भी बिकती है ना तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है, बट पहली जाएगी जब तो दूसरी आएगी, वो कहावत है ना। तो ठीक है यहाँ से चलते हैं एंड सुनील की दुकान पर चल के इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट सी क्या सीन रहने वाला है आज वाली वीडियो का, अपन को जाना था, अपन जा तो पा नहीं रहे, ठीक है क्या सीन होता है देखते हैं। सुनील की दुकान पर पहुँचते हैं और इस वीडियो को वहीं पहुँच के करते हैं कंटिन्यू। तो चलिए अभी अपन चल रहे सुनील की दुकान पे, गाड़ी फुल पावर अपन ने निकाल ली है बाहर और देखते हैं कैसा क्या सीन होने वाला आज वाली वीडियो का। क्या भाई चलो एक सेल्फ में स्टार्ट होगी, नहीं होगी तो नाम पलट देना, हो गई। ये होती है भाई गाड़ी क्या रहता है पुराने मॉडल की, जैसे कि मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चालू करते रहोगे चलाते फिरते रहोगे ना तो गाड़ी सही चलेगी, पीछे तो कोई नहीं है। गाड़ी का पावर स्टीयरिंग चालू था जब लास्ट टाइम नोनी का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो पावर स्टीयरिंग की कुछ मोटर में दिक्कत है, तो वो सुनील देख लेगा एक आध दिन में, वो बोल रहा था दुकान पे खड़ी कर देना मैं देख लूँगा और सैटरडे या संडे तक जो है ये गाड़ी अपने हाथ से चली जाएगी। गाड़ी बेचने का मन तो नहीं है मगर भाई यूज़ में नहीं आ रही, खड़े रहने का कोई मतलब भी नहीं है, मतलब खड़ी करके रखो। देखते हैं भाई इसके बाद कौन सी गाड़ी आने वाली है, बाइक आएगी अगर बाइक आई ना भाई इसके बाद सुपर बाइक ही आने वाली है बस इतना डेफिनेटली मैं अभी से बोल सकता हूँ। और अगर कार आई तो भाई अच्छी उठाएंगे अपन, 2-3 साल चलेगी अच्छी बड़ी गाड़ी लाइक i20 ऐसा कुछ, यहाँ पे लगा दे गाड़ी। तो बॉयस अभी अपन आ चुके हैं सुनील की दुकान पे। सुनील मीनाल चला गया, वो गाड़ी खड़ी करनी है यार भाई, हटाने वटाने की कोई लाइन नहीं है, चालू है अभी तो चालू है ना, वीडियो बन रही है आ रहा है। बोलो भाई कोई भी ऑटो पार्ट से रिलेटेड सामान चाहिए हो, कार से ऑयल से ब्रेक से और क्या क्या मिल जाता है गोलू भाई अपने पास? सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो गोलू भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, काफ़ी सारी वीडियो है सुनील का नंबर तो डाला ही है, इस वाली में भी सुनील का डाल दूंगा। कार से रिलेटेड कोई भी काम हो, मैकेनिक से रिलेटेड इंजन बनवाना हो, कोई सी भी कार हो बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी सुनील की दुकान पर आप करवा सकते हैं। दुकान है भानपुर पे, सुनील का छोटा भाई अपना बचपन का दोस्त गोलू। गोलू भाई क्या बोलना चाहोगे वीडियो को? मैं तो भजा भाई रास्ते से दबा के रहता। तो भाई सामने रही गाड़ी, अपन रहे यहाँ पे सुनील तो मिनाल निकल चुका, गाड़ी लगाते यहाँ पे अच्छे से तरीके से। तो आज वाली वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, मतलब कि भानपुर पे मिलेगा तुम्हारा भाई तुमसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। और हाँ भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए लेकर आता रहता है। आज वाली वीडियो को और ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं, मिलते तुम सबसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। सो टेक केयर टाटा एंड बाय बाय।